जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मित्र, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर Redmi Note 11 Pro Plus 5G एंड Poco X4 Pro 5G के अंदर न्यू अपडेट यहाँ पर इंडिया में रोल आउट कर दिया गया है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड बिना देरी के वीडियो को आप शुरू करते हैं। पोको X5 Pro 5G एंड Redmi Note 11 Pro Plus 5G इन स्मार्टफोन्स के लिए यहाँ पर इंडिया में जो है MIUI 13.0.7.0 SKC-INXM स्टेबल अपडेट यहाँ पर रिलीज हो गया है एंड 227 MB का अपडेट साइज देखने को मिलता है। और इसके अंदर बस जस्ट आपको एक नॉर्मल सिक्योरिटी पैच दिया गया और बग्स वगैरह यहाँ पर फिक्स किए गए और इसमें कुछ भी खास नहीं है। अब सिक्योरिटी पैच बता दूँ कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर मई 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यहाँ पर ऐड कर दिया गया है आप सभी के लिए। दोस्तों मई 2023 का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच ऐड कर दिया गया और इसमें कुछ फीचर यहां पर देखने को नहीं मिलता और 227 MB का अपडेट साइज यहां पर देखने को मिल जाता है। अब MIUI 14 को लेकर भी आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो MIUI 14 एंड्रॉइड 13 का जो अपडेट है ना जुलाई एंड लग जाएगा, आप लोग वेट कर लीजिए। यहां पर अभी एक मंथ आराम से यहाँ पर लगने वाला है, अभी यूरोप जाएगा, ग्लोबल जाएगा एंड यहाँ पर इंडिया में भी आएगा। आप जुलाई एंड तक वेट कर लीजिए, आप सभी के लिए यहाँ पर अपडेट मिल ही जाएगा। तो बाकी बस यही था आज के इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पर Redmi Note 11 Pro Plus 5G एंड Poco X4 Pro 5G के लिए MIUI 13.0.7.0 अपडेट यहाँ पर आ चुका है, जो कि एंड्रॉइड 12 के ऊपर है और MIUI 13 और मई का सिक्योरिटी पैच दे दिया गया। और उस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है और हमें यहाँ पर टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।